अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैदराबादी हलीम चिकन की रेस्टोरेंट स्टाइल में। देखिए, उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बासमती राइस और माश की दाल 1 टेबलस्पून। ये 10 से 11 पत्ते हैं गुलाब के फूल के, सूखे हुए गुलाब के, आप ये ले लीजिए। और ये है मूंग की दाल 1 टेबलस्पून, चने की दाल 1 टेबलस्पून, ये 100 ग्राम रवा है, इसको दलिया रवा भी बोलते हैं और हलीम का रवा भी बोलते हैं, ये 100 ग्राम है। ये 1 टेबलस्पून तिल है और ये है बादाम 7 से 8 हमने लिए हैं। और ये है हलीम का रवा 10 ग्राम, ये 10 ग्राम हलीम रवा है। इसे हम साबित डालेंगे भिगने के लिए। हमने सारे दालों को और बासमती राइस को अच्छे से 3 पानी से धो लिया है, उसके बाद ऐसा प्लेट में निकाल लिया है सूखने के लिए। ये सूख गए बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसमें बासमती राइस है और चने की दाल है, मूंग की दाल है और माश की दाल है। ये अच्छे से सूखने के बाद देखिए दाल अच्छे से सूख गई है। 1 घंटा इसे अच्छे से सुखा लीजिए, अच्छे से सूख गई है। इसके साथ हम डाल रहे तिल जो हमने ली थी और बादाम, अभी इसे हम पीस लेंगे। देखिए पाउडर बन के रेडी है, अब हम इसे एक भगोने में निकाल लेंगे। देखिए हमने भगोने में निकाल लिया है सारा पाउडर जो हमने ग्राइंड कर लिया था। अब हम पीसेंगे दलिया जो हमने 100 ग्राम लिया है। देखिए दलिया का भी पाउडर बन गया, अब हम इसे भगोने में निकाल लेंगे। देखिए दलिया का पाउडर भी निकाल लिए भगोने में, जो दाल भी पीसे थे पाउडर वो भी पाउडर इसमें निकाल लिए और दलिया का पाउडर भी इसमें डालिए। अब हम डालेंगे साबित दलिया जो हमने 10 ग्राम लिया था दलिया, वो भी डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं गुलाब के सूखे पत्तियां जो हमने बताए थे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करे बाद इसमें पानी डालकर रखें, इतना पानी डालें जिसे 1 इंच ऊपर रहना, जितना पाउडर है उसे 1 इंच ऊपर रहना, उतना पानी डालकर रखें। पानी डाले बाद इसे 1 घंटे के लिए, 1 या 1.5 घंटे के लिए भिगने के लिए रख दीजिए ये पाउडर को। हलीम का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 10 से 12 लौंग, 12 इलायची, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टीस्पून काली मिर्ची साबित, 1/2 टीस्पून कबाब चीनी, 1 टीस्पून जीरा साबित और ये है दालचीनी 1-1 इंच के 5 आप ले लीजिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हलीम के गरम मसाला बनाने के लिए। देखिए गरम मसाला हलीम का ग्राइंड हो चुका है, देखिए पाउडर बन गया है। हमने लिए 4 मीडियम साइज की प्याज, उसे अच्छे से कट कर लिया है बारीक, और हमने लिया है काजू 20 ग्राम, इसे हम अच्छे से तल लेंगे। अब भगोना हमने स्टोव पे रख लिया है, उसमें तेल भी डाल दिए 1/2 लीटर। अब हम डाल रहे हैं, इसमें गरम भी हो गया तेल, अब हम डाल रहे हैं प्याज जो हमने कट कर लिए थे।
हम डाल रहे थोड़ा नमक, जल्दी से प्याज तले जाने के लिए थोड़ा नमक डाल रहे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम निकाल लेंगे। अब हम डाल रहे काजू, इसे भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज, हमने निकाल लिए है, और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं काजू, वो भी हमने निकाल लिए है फ्राई करके। ये काजू हम थोड़े हलीम में डालने के लिए लेंगे। काजू हम गार्निशिंग के लिए लेंगे, इसे छोटे छोटे पीस बना लेंगे दो दो। और ये जो फ्राई करी हुई प्याज है इसे हम आधा आधा यूज़ करेंगे, आधा हलीम बनाने के लिए यूज़ करेंगे और आधा गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। हलीम बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 500 ग्राम, ये हमने गरम मसाला पीस लिया था हलीम का, वो है ये पाउडर, और ये तली हुई काजू, ये तली हुई प्याज, और ये है 50 ग्राम दही हमने लिया है, ये 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हरे मसाले में हमने लिया है कोथमीर, पुदीना और 10 से 12 हरी मिर्च। कोथमीर और पुदीना थोड़ी हम हलीम बनाने के लिए यूज़ करेंगे और थोड़ी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हलीम बनाने के लिए। अब हमने कुकर लिया है चिकन को गलाने के लिए। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1/2 kg चिकन। अब डालेंगे हम 1/2 teaspoon शाहजीरा, 1/2 teaspoon काली मिर्ची साबित, 4 से 5 लौंग और 1/2 teaspoon कबाब चीनी। और हम अब इसमें डालेंगे 1 glass पानी। और हम इसमें डालेंगे अब हरी मिर्च। पानी थोड़ा कम लग रहा है मुझे, अब ये 1/2 glass हम पानी डाल रहे हैं अभी। अब हम इसे कुकर का ढक्कन लगाएंगे चिकन गलने के लिए। हाई फ्लेम पे 4 सीटी, सिम पे 3 सीटी लगाएं। देखिए चिकन अच्छे से गल गया। अब हम इसे छोटे छोटे चिकन को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, उसका स्टॉक अलग निकाल लेंगे, चिकन को मैश कर लेंगे। देखिए हम चिकन को हड्डी से अलग कर लिए हैं, अब हम इसे मैश कर लेंगे दाल घोटनी से या मैशर से, किसी से भी आप मैश कर सकते हैं। ये हड्डियां हैं और जो स्टॉक है ये कुकर में गला लिए थे चिकन, उसका पानी है ये, इसको स्टॉक बोलते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा पानी, ऐड कर रहे 4 glass पानी। हलीम बनाने के लिए कंसिस्टेंसी के लिए काम आएगा ये स्टॉक, हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए हम मैश कर रहे हैं चिकन, इसी तरह से आप भी ऐसे मैश कर लीजिए। देखिए हमारे स्टॉक में उबाल आ गया है, इसी तरह सिम पे उबाल आने के लिए छोड़ दीजिए। हमने कुकर को स्टॉव पे रख लिया है, उसके बाद हम घी डाल रहे हैं इसमें 1 teaspoon, उसके बाद जो प्याज का तेल है हम वो डाल रहे हैं 4 tablespoon। हम ले रहे बघार के लिए 1 teaspoon इलायची पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इलायची पाउडर डाल लीजिए। 2 pinch कस्तूरी मेथी ले लीजिए, वो भी डाल लीजिए, क्रश करके डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हलीम का जो पाउडर बना लिए थे हम वो डाल रहे 3 teaspoon, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अब 2 teaspoon,
अब हम डाल रहे हैं इसमें जो मैश कर लिए थे चिकन, वो इसको अच्छे से भून लीजिए सारे मसालों के साथ। हाई फ्लेम पे भूनते जाइए, 3 मिनट तक अच्छा हाई फ्लेम पे भूनिए। देखिए चिकन अच्छे से भुन गया है मसालों में। अब हम डाल रहे दही, जो 50 ग्राम हमने लिए थे दही डाले। फ्लेम सिम पे रखकर भूनिए दही। देखिए दही और चिकन और मसाले अच्छे से भुने गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें तली हुई प्याज, आधी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और आधी हलीम बनाने के लिए यूज़ करेंगे। हमने इसे अच्छे से चूर लिया है। देखिए हम तली हुई प्याज डाल रहे हैं आधी, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम डाल रहे हैं इसमें हरा मसाला, कोथमीर और पुदीना थोड़ा। हरा मसाला अच्छे से भुने गया है, ऑयल भी आ गया है अच्छे से। अब हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे जो हमने उबाल लिया है। देखिए हमने स्टॉक डाल दिया है, 5 मिनट पका लिया है इसे। अब उबाल आने पर हम मिक्स करेंगे इसमें जो हमने पीस लिया था हलीम का रवा और दाल, उसमें वो भिगा कर रख लिया है। अब हम उसे ऐड करेंगे इसमें, हमने भिगो कर रख लिया था हलीम रवा और चावल और दाल पीस कर पाउडर बनाकर भिगो के रख लिया था 1 घंटे के लिए। वही है जो इसमें अब स्टॉक में हम ऐड करेंगे। देखिए हम ऐड कर, देखिए हम अब अच्छे से मिक्स करें इसे। अब धीरे धीरे हलीम गाढ़ी होती जाएगी, इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। हम डाल रहे काली मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हलीम का मसाला 1 टीस्पून, जो हमने पीस के रखा था वो मसाला, और अच्छे से मिक्स करिए। देखिए हलीम अब गाढ़ी हो चुकी है, इसे घोटते जाइए इस तरह। इस तरह घोटने से और गाढ़ी होती जाएगी ये। अब हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे, कोथमीर और पुदीना, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं घोटते घोटते, हलीम अच्छे से गाढ़ी हो गई और रेशेदार हो गई है, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत रेशेदार लग रही है। देखिए और 5 मिनट अच्छे से घोट लीजिए इसे, हलीम अच्छे से भुने जाएगी और अच्छे से घोटे जाएगी और भी गाढ़ी हो जाएगी। चिकन हलीम हैदराबाद स्टाइल में रेडी है सर्व करने के लिए। हमारी हलीम डिश आउट हो चुकी है चिकन की। देखिए हम अब गार्निश कर रहे हरे मसाले से। अब हम डाल रहे काजू जो हमने तल लिया था, और हम अब डालेंगे घी। घी से गार्निश कर लिए है। अब हम इस पर डालेंगे तली हुई प्याज, देखिए हमारी हलीम रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी रेशेदार बनी है और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है। इसे एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनी है। देखिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और ट्राई ज़रूर करिए एक बार, बहुत मज़ेदार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।